हेलो स्टूडेंट्स, आज 8 अगस्त 2021 को इवनिंग सेशन में जो LT का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की के जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट था, 30 क्वेश्चंस थे, उसकी आंसर की मैं आप लोगों के लिए तैयार करके लेके आया हूँ। होप कि आप लोग उसको अपने कार्बन कॉपी के साथ मैच करेंगे और उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लगभग कितने क्वेश्चंस आपके इसमें सही हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मेंटल इमोशन ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू ब्रूनर। ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? तो जो इसका उत्तर है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक जो है इसका उत्तर सही उत्तर है। दूसरा जो क्वेश्चन है, लर्निंग कर्व रिप्रेजेंट्स बाय द ग्राफ इज, अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करता है रेट ऑफ रिटेंशन, रेट ऑफ फॉरगेटिंग, प्रोग्रेस एंड रेट ऑफ लर्निंग, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ऐसे ही जो हिंदी में देखें तो धारण, स्मृति की गति, भूलने की गति को, अधिगम की उन्नति एवं गति को, या उपयुक्त सभी। तो जो इसका उत्तर है वो है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। अगर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इन साइकोलॉजी टू शो वन सेल्फ लाइक एनी अदर पर्सन बाय द पर्सन बिलोंग टू विच डिफेंस स्ट्रेटेजी। मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है? तो जो इसका उत्तर है वो है आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्यकरण। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर का, बाय हूम द 16 PF क्वेश्चनेयर पर्सनैलिटी इज मेड ऑफ। व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 PF प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसके जो ऑप्शन थे वो हैं हेनरी ए मुरे, सिगमंड फ्राइड, रेमंड बर्नार्ड कैटल, CH जूंग। हिंदी में देखें, हेनरी ए मूरे, सिगमंड फ्राइड, रेमंड बर्नार्ड कैटल और CH जूंग। तो जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन सी, रेमंड बर्नार्ड कैटल। अगला क्वेश्चन देखें, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट। निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं वो है ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, डिस्क्रिमिनेशन और वैलिडिटी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सब्जेक्टिविटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यदि हम देखें, टीम टीचिंग इज डेवलप्ड बाय, समूह शिक्षण या टोली शिक्षण का विकास किया गया? ऑप्शन है इसके BF स्किनर, जे फ्रीमैन, MB बुच और कार्लो ऑसलन। तो जो इसका सही उत्तर है वो है जे फ्रीमैन द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं, क्वेश्चन नंबर 8, फोरसाइट इज कंसिडर्ड इन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में निहित होती है? ऑप्शन है इसमें लर्निंग थ्योरी ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स, कर्ट लेविन थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो जो इसका सही उत्तर है वो है कर्ट लेविन थ्योरी ऑफ लर्निंग। अगले प्रश्न को देखें, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड टर्म इज, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम होता है समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना, परिकल्पना का निर्माण करना,
फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स. डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. और चौथा ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम. तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम्स, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स और फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. अगला क्वेश्चन की तरफ जाएं. हाउ मैनी सब टेस्ट आर देयर इन भाटिया बैटरी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट? भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? तो जो इसके ऑप्शन है वो है 3, 7, 5 और 2. तो जो इसका सही उत्तर है वो है 5. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज? जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ऑप्शन है 11 to 15 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स, 7 to 12 ईयर्स और ऑप्शन डी फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स. जो इसका सही उत्तर है वो है 7 to 12 ईयर्स. अगला क्वेश्चन यदि देखें, अकॉर्डिंग टू हुम कम्युनिकेशन इज एनीथिंग डेट कन्वेज मीनिंग डेट कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जिसके किसके अनुसार संप्रेषण हर उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है? इसके जो ऑप्शन है वो है हार्टमैन, एडगर डेल, ब्रूकर और मिलर. जो इसका सही उत्तर है वो है ब्रूकर, ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन यदि देखें, द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च इज? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है, ऑप्शन जो इसमें है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रोबेबल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस. तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट सोर्स इन द फेज ऑफ मोटिवेशन? प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है ड्राइव, इंसेंटिव, नीड और मोटिव. तो जो इसका उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नीड, आवश्यकता. अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं. कम्स अंडर द एक्वायर्ड मोटिव्स आर? अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन है हंगर एंड थर्स्ट, सेल्फ प्रोटेक्शन, एंगर एंड फियर, कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन. तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन. क्वेश्चन नंबर 16. इवेल्युएशन इज रिलेटेड टू विच फेज ऑफ टीचिंग? मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है? इंटरैक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग और नन ऑफ द अबव. तो जो इसका उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग. इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कार्ड्स आर यूज्ड इन रोडशा इंक ब्लॉट टेस्ट? रोडशा का स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं वो है 8, 5, 10 और 4. तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 10. इसके बाद है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स टेस्ट इज? व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है क्विलमैन एंडरसन इंटेलिजेंट टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट और वेस्टलर बेलेव्यू परीक्षण टेस्ट. तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, क्विलमैन एंडरसन इंटेलिजेंस टेस्ट. अब अगला क्वेश्चन, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स इन द टेस्ट, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से, ऑप्शन ए वैलिडिटी डिक्रीज्ड, रिलायबिलिटी इज इंक्रीज्ड, रिलायबिलिटी इज डिक्रीज्ड और ऑप्शन डी वैलिडिटी इज इंक्रीज्ड. तो जो इसका आंसर है वो है बी, रिलायबिलिटी इज इंक्रीज्ड, उसकी जो विश्वसनीयता है वो बढ़ जाती है.
क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इंग्लिश सब्जेक्ट इज कंपलसरी फ्रॉम विच क्लास? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया? तो जो इसमें ऑप्शन थे वो है क्लास 5, क्लास 4, क्लास 6 और क्लास 1। तो जो NCF 2005 था उसके अकॉर्डिंग क्लास 6 से इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको कंपलसरी किया गया। उससे पहले जो है मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा को जो है शिक्षा का माध्यम अपनाया गया था। अगला जो है 21, एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज आल्सो नोन एज, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को कहा जाता है मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, ब्रांच प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन और नन ऑफ द अबव। अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हु सेज डैट इवेल्यूएशन मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय पीपल्स? किसने कहा कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है? तो जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो है ई ए पील, डांडेकर, हेल्मस्टेडर, टॉर्गर्सन और एडम्स। तो एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि जितनी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जो इसका उत्तर है वो है टेलर, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है तो अभी मुझे इसमें डाउट है। बाकी आंसर की आ जाएगी तो आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, ऑफिशियल आंसर की के द्वारा आप इसको क्लियर कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग इसका जो उत्तर है वो है टेलर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू टर्मन द इंटेलिजेंस क्वोशेंट ऑफ द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज? टर्मन के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि उपलब्धि होती है लेस देन 70, मोर देन 75, मोर देन 70, लेस देन 75। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो टर्मन थे उन्होंने जो IQ टेबल दिया था उसके अकॉर्डिंग 81 टू 90 के बीच जो है बुद्धि उपलब्धि होती है मंदबुद्धि बालकों की। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोर देन 75, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, सीट्स आर रिजर्व फॉर चिल्ड्रन ऑफ इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटी इन प्राइवेट स्कूल्स। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में सीट आरक्षित है। ऑप्शन ए 20%, 15%, 25% और 30%। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 25%। इसके बाद अगला है पीपल हु कैन नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस दियर एंगर, ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और रिलीजियस। हिंदी में अगर देखें तो सुढ़ोल काय, लंब काय, गोल काय और धार्मिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी एस्थेनिक, लंब काय। अगला क्वेश्चन, द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ टीचर क्वालिटी? व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का जो गुण है वो निम्न में से किससे संबंधित है? सोशल क्वालिटी, प्रोफेशनल क्वालिटी, पर्सनल क्वालिटी और नन ऑफ द अबव। सामाजिक गुण, व्यावसायिक गुण, व्यक्तिगत व्यक्तिक गुण या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो जो जिस जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सोशल क्वालिटी, सामाजिक गुण। अ कॉन्सेप्ट लर्न बाय अ स्टूडेंट इन हिस्ट्री क्लास इज यूज्ड बाय हिम इन हिंदी क्लास। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण है नेगेटिव ट्रांसफर, बाइलेटरल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर और पॉजिटिव ट्रांसफर। इसके जो ऑप्शन हैं, जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, पॉजिटिव ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन, द स्कैलरोग्राम मेथड ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट वॉज प्रोपेगेटेड बाय अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किया थर्स्टन, गटमैन, लाइकर्ट और थर्नडाइक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गटमैन। अगला क्वेश्चन यदि देखें, इन विच टीचिंग मेथड द न्यू रूल्स और प्रिंसिपल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम एग्जाम्पल्स। किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं? तो जो इसके ऑप्शन हैं वो है डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड और सिंथेसिस मेथड। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इंडक्टिव मेथड। अगला क्वेश्चन यदि देखें, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट क्वेश्चन है 30th नंबर का, इन विच प्लान स्कूल इज कंसिडर्ड एज चिल्ड्रन होम। किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया है? अगेन मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, चूँकि डाल्टन योजना जो है वो एक प्रयोगशाला योजना के नाम से भी जानी जाती है। इसमें इसमें भी जो है ठेका योजना की बात की गई थी। विनयटिका योजना भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की एक योजना है। तो इसका जो जो ऑप्शन है वो मुझे लगता है ऑप्शन ए है, कॉन्ट्रैक्ट प्लान। लेकिन आप लोग इसको ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अब तक जो आंसर की है उसको अपनी कार्बन कॉपी के साथ मैच कर लिया होगा। तो जो ये आंसर की है वो मेरे अकॉर्डिंग 100% सही है। फिर भी एकाध दो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो वेरी कर जाते हैं कभी कभार, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। फिर भी मेरी तरफ से द बेस्ट मैंने करने की कोशिश की है। थैंक यू।